गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 11 और पापा बेटा दोनों साथ में निकल गए हैं डॉक्टर के लिए कान की वैक्सीन करवाने। इसके तो अभी आदि और प्रीति को नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि वो भी परेशान हो जाते हैं। दो बार ऐसा हो चुका गए हैं और फिर वहां से हमें वापसी आना पड़ा है खाली हाथ, कुछ हुआ ही नहीं है वही चिकू। तो आज सुबह जल्दी उठ गया था तो मैं सोचा यार चलो यार जब जल्दी हो ही गया है, मतलब जल्दी उठ नहीं गया था सॉरी, जल्दी स्कूल खत्म हो गया था तो मैं सोचा भाई जब जल्दी स्कूल खत्म हो ही गया तो उसको डॉक्टर के ले आते हैं। 1 बजे तक बैठा हुआ डॉक्टर, तो जा रहे हैं अब डॉक्टर के और जल्दी से इसका वैक्स क्लियर करवा के आएंगे वापसी और कितने मिलेंगे आपको सीधे हम घर पे। मतलब जिस पे हम 2 दिन से जा रहे थे उसने तो पहले मना कर दिया था कि डॉक्टर सर्जरी में तो शाम से पहले नहीं मिलेंगे, तो मैंने दूसरा सर्च किया, दूसरे पे गए तो जैसा हमेशा होता है मेरे साथ वैसा ही, पहले कभी बिना वैक्स डाले इसको लेके, मतलब बिना ईयर वैक्स ड्रॉप डाले इसको मैं लेके जाता था तो डॉक्टर बोलते थे कि पहले वैक्स डाल के लाओ, ये दवाइयाँ खिला के लाओ, उसके बाद करेंगे, हार्ड है ये है वो है। हालांकि कल मैंने खुद अपना चेक किया है, हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कितना बहुत ही वैक्स पतला सा हो रखा है इसके कान में, फिर भी डॉक्टर ने नहीं बहुत हार्ड है, ब्लैक फंगल है, ये है वो है, 2-3 ईयर ड्रॉप्स लिख दिए, ये डाल के लाओ, उसके बाद ही इसका ईयर वैक्स निकालूंगा, 5-6 दिन बाद लाया। जब से चिकू डॉक्टर से ले गया हूँ एक बार भी कैमरा नहीं उठाया, आया खाना खाया, लंच ही हुआ था क्योंकि आने में यार करीबन 1:30 बज गया था, तो लंच किया आराम से अपना और उसके बाद जो है अपना इस तरह जो छोटे मोटे काम थे वो निपटा लिए। अभी पहले इन्फिनिटी वॉर का एंड देखा, अब एंड गेम का एंड ही देख रहा हूँ, मतलब दोनों मूवी का एंड ही देखा है, मूवी पूरी नहीं देखी और ये मेरे साथ मजे से देख रहा है, इसको मजा आ रहा है कि आयरन मैन है, स्पाइडर मैन है, कैप्टन ममम है, कैप्टन अमेरिका को कैप्टन ममम बोलता है, थानोस दोनों सबका नाम गिना दिया है ना, मजा आया मूवी देख के। मूवी का तो हो गया एंड, मजा क्यों नहीं आया आपको, ऐसे क्यों ऐसे? और सबसे बड़ी बात हाँ भी चलाते हैं और अभी तक मैं नहाया नहीं, मतलब आज मैंने फिर स्किप कर दिया, आधी ना रुक जा बेबी अब जा रहे हैं, तो आज स्किप कर दिया, अब सर्दी सर्दी यार ऐसे ही रहेगा, हफ्ते में 4 से 5 दिन नहाऊंगा, एक दिन का गैप मारूंगा। नाउ फाइन, इधर मेरे पीछे पड़ा बस स्नोफॉल वाला चलो, हाँ धूप निकल ली है, ये कह रहा है मुझे स्नोफॉल दिखा के लाओ आप लेके जाओ हैं, नहीं निकल ली पीछे देख लो भाई, अंधेरा उतने वाला है, शाम हो गई है और ये मेरे मोबाइल पर गेम खेलने में लगा हुआ अभी, एंड प्रीति सो रही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अराउंड कुछ 5:30 बज गए, सोच रहा हूँ चाय बना लूँ। अरे गिर जाएगा बेबी, गिर जाएगा, बस 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 चिकू बस, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि चाय बना लूँ, चाय बना के उसको उठाता हूँ फिर ठीक रहेगा। सो इसको उठा दिया है, चाय वाय पी ली हमने, ये रही हमारे कप खाली और इसकी कुछ बातें चल रही हैं। पापा, एक्चुअली जो कल हमारा व्लॉग आया था ना कि आज सारा पूरा व्लॉग आदि ने किया, उस वीडियो पे बहुत कमेंट आ गए, उस पे सबका सब क्यूट आदि, क्यूट आदि, सो क्यूट आदि, यही सब आ रहा है क्योंकि इसका जो ड्रामा था ना, छो गाइज पापा तो बाल गए हैं हम गल में हैं, सबको पसंद आ रहा है बहुत, खुद को नहीं दिखाना, खुद को नहीं दिखाता, मतलब व्लॉगिंग कैसे करता है, कैमरे पे ऐसे कर देगा मेरे सामने चीकू ऐसे कर देगा कैमरे को, फिर लेके आते तो घूमता रहेगा, तो जाता रहेगा और बातें बोलता रहेगा कुछ ना कुछ, पर करता वक्त क्यूटी पाई है ये, और ये स्टार्ट ऐसे करता तो गाइस, हां तो गाइस बोलना एक बार, मैं लाइक डाल दिए, लो मैंने कम कर दी बस, तो गाइस अब बोलना, तो गाइस तो गाइस लो करना एक बार वीडियो बनाना, बोलो नहीं बोलो, अभी मूड में नहीं है, अब ड्रामेबाज को देख लो कैमरा साफ करें, तो क्यूटी पाई है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्यूटी पाई बेबी है ये मेरा, और इसको किसी भी चीज़ वैसे उछल कूद करता है, किसी भी चीज़ के लिए डांटो तो इसको दर्द हो जाता है, हाँ किसी चीज़ के लिए डांटते एकदम से मुँह मुँह सा बना लेगा, सिर्फ मेरे लिए दर्द बोला है बस, उसके ऐसे वो ब्रह्मास्त्र है इसके पास, वो बोलूँगा तो ये सब के सब मुझे गोदी उठा लेंगे। Yeah.
मैंने तो ये क्वेश्चन किया तो करा, इस वाले सिर में लगी थी, इस वाले सिर में लगी थी। टकले टकले तेला का का कलेगा, तू का बोलता रहता है क्या? क्या ये बताता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सबसे बेस्ट चीज है गोप्रो की। आज ये मेरे पास सुबह 5 बजे उठ के आ गया। एक बार तो मैं डर गया था भाई। मुझे क्या पता अब मुझे यहाँ नहीं सोना। हाँ, एकदम से गेट खुला तो उस टाइम पे तो मेरी गेट खुलने पे तो नींद नहीं खुली थी, पर ये पास में आके इसने जब हाथ लगाया ना, एकदम से मैं घबरा गया। मैं कौन है भाई? क्योंकि जब इसने हाथ लगाया तो मैं एक बार को पीछे मुड़ा। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या है, या तो प्रीति होगी, तो मैं तो ऊपर देख रहा, ऊपर कुछ नहीं है, ये ठिकना था नीचे। मैं घबरा गया, मैं कौन है? फिर देखा ये ठिकना आया मेरे पास कि पापा आपके पास सोना है मुझे। एक्चुअली क्या है, मैं अलग रूम में सोता हूँ और ये तीनों अलग रूम में सोते हैं। उसका रीज़न है कि जो हमारा डबल बेड है वो 3 बंदों को हिसाब का है, और 4 बंदे सोते हैं ना, चाहे ठंड भी है, पर एक बार को ये होता है कि करवट नहीं ले पाते। करवट समझते ही होगा कोई, एक करवट में सोने में ना फिर दर्द होता है हाथ में और बॉडी में, पूरा पेन हो जाता है। इस चक्कर में मैं सोता हूँ इस वाले रूम में, और प्रीति इस वाले रूम में सोती है बच्चों के साथ। इस वाले रूम में सिंगल बेड है, क्योंकि उसका एक दूसरा बेड जो है मैं बाहर लगा चुका हूँ, तो मैं वहाँ सोता हूँ। पहले हम उस पे सोते थे उसको डबल करके, पर वहाँ पर भाई एक्सट्रीम ठंड होती है। बस अब ये दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीने एक्सट्रीम ठंड होने वाली है। एक्सट्रीम मतलब उस रूम की हालत ख़राब हो जाएगी। और कुछ एक दिन की बात है, जैसे ही एक्सट्रीम लेवल की ठंड आएगी ना, इस पूरे घर में दीवारों पे ओस आ जाएगी भयंकर लेवल की। लास्ट ईयर मैंने एक्सपीरियंस किया था ये, तो आपको दिखाऊंगा इस बार। मतलब ये जितनी दीवारें हैं, सारी दीवारें, ये सब पे हर जगह जो है टोटल ओस टपकती हुई दिखेगी आप लोगों को। इतनी ठंड हो जाती है इस फ्लैट में। ये बेटा ये तो फ्लैट की चाबी है, खो गई ना तो हमारे पास दूसरी चाबी नहीं है, फिर हम घर में बंद हो जाएंगे। पता है आपको घर में बंद हो जाएंगे अगर इसको ये खो गई तो? बेबी हम घर में बंद हो जाएंगे अगर ये चाबी खो गई तो? मैं खो दूंगा ना। तो खो दोगे तो फिर हम कैसे घर खोलेंगे? घर बंद हो जाएगा ना, फिर हम नोफॉल भी देखने नहीं जा पाएंगे। मैं खोलूंगा। कैसे? आपसे खुल जाता है? अभी हाँ ठीक है, अभी रात के 9:15 हो रहे हैं, और ये जो है ये लगा हुआ है, चिपका हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा रात के इस टाइम पे मैं इन दोनों को मोबाइल दे देता हूँ, तो ताकि ये प्रीति को खाना बना दे, बट ये आज नहीं मान रहा। हाँ ये भी है। तो अभी डिनर बन रहा है हमारा, मटर पनीर की सब्जी। क्या खाएगा? घर में क्या बन रहा है आज? सब्बे। पहले बताओ क्या बन रहा है? पुवे। नहीं, बन रही है मटर पनीर की सब्जी। पुवे, पुवे। इसको यार ये डायलॉग ना बड़ा याद सा हो गया, और ये हर चीज में उसे पंगे लेता रहता है। जैसे बोलते ना आज क्या बनेगा, तो कहता है सब्जी नहीं बनेगी, पोहे बनेंगे, पोहे। सुबह ब्रेकफास्ट में पोहे खाए? तो क्या खाओगे? पोहे तो बोल रहा हूँ, पोहे खाए। अरे सुबह ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए हैं? खट्टी मीठी नमकीन है ही हमारे पास, प्याज हमारे पास है ही, हरी मिर्च हमारे पास है ही, तो देरी किस बात की है? ये देखो इन दोनों ने इतना लेट कर दिया, 9:45 बजे प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है अब। नहीं तो अभी तक ये 8:30 तक हमेशा खाना बना के रेडी कर देती है प्रीति, बट इन दोनों ने क्योंकि झूला झूलना करके बहुत परेशान कर दिया था प्रीति को, तो फाइनली अब जाके प्रीति खाना बना रही है। और क्या हुआ? पानी आ रहा था मेरे मुंह में। फिर क्या किया आपने? फिर क्या किया आपने उस पानी का? हाँ ठीक है। वो था। क्या था? उससे मेरा रोटी को दी ना। हाँ। जो होता है। अच्छा उससे जो होता है। अच्छा इससे इसको क्यों ले रखा आपने? नहीं उससे वो होता है ना। हाँ वो होता है, पता है मुझे वो होता है। वो उससे तो ठीक हो जाती, फिर मैं ठीक हो जाता। ठीक है, अब ये बताओ ये किस लिए चाहिए आपको? वैसे आज इसने बोल दिया वैसे ही, नहीं तो कुछ भी ये चीज़ बोलते ना हम कहते हैं क्यों चाहिए, तो बोलता है इसलिए। हम बोलते हैं किस लिए करा? इसलिए। किस लिए? इसलिए चाहिए। पर चाहिए किस लिए? ठीक है, ये आइटम बच्चा आइटम। चलिए थोड़ी देर इनके साथ एंजॉय करता हूँ ताकि प्रीति खाना बना सके, फिर मिलेंगे।